लाइट ट्रैप। हम लोगों को पता है कि लाइट जो है कीट को आकर्षित करते हैं अपने तरफ खींचते हैं। तो लाइट ट्रैप का इस्तेमाल, बड़ा लाइट ट्रैप का इस्तेमाल अगर करें तो एक ट्रैप एक हेक्टर के लिए काफ़ी है इस कीट को नियंत्रण करने के लिए। अगर हम लोग जैव कीटनाशक का बात करें तो उसमें एक आता है नीम ऑयल, हम लोग बोलते हैं एजाडिरेक्टिन। अगर 10,000 ppm अवेलेबल है तो 10,000 ppm का एजाडिरेक्टिन 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम लोग छिड़काव करें और फूल के अवस्था के जस्ट बाद, उसके तुरंत बाद अगर छिड़काव करें तो हम लोग बहुत हद तक इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों, अगर आपके खेती में अभी बालू की अवस्था में, मतलब बिल्किंग स्टेज आ गया है, दूध की अवस्था आ गया है और आपने एजाडिरेक्टिन का छिड़काव नहीं किया और आप खरपतवार जो मेड़ पे है उसका भी अगर उसको भी अगर साफ नहीं किया तो आप रासायनिक नियंत्रण पे जा सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण पे आप मिथाइल पैराथियन, उसका डास्ट आता है, वो डास्ट 25 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से भुड़काव करने से ये कीट बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं।